थैंक यू। तो बताइए आपने किन किन गेस्ट के नाम लिखे हैं? ये कुछ लिस्ट है। इतने कम? रघुवंशी इसकी पार्टी है और इतने कम गेस्ट? बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भीड़ में अक्सर लोग खो जाते हैं और सब गेस्ट को टाइम दे पाना भी मुमकिन नहीं हो पाता, इसलिए जितने गेस्ट कम हो उतना ही अच्छा है। और वैसे भी मैं राजवीर जी की बर्थडे पार्टी मनाना चाहती, उनका पीआर नहीं। बेहद अच्छी सोच है। अच्छा, मेहमानों को खाने में क्या खिलाएंगे वो भी डिसाइड करना है। और सबसे जरूरी बात भी तो डिसाइड करनी है। वो क्या? पार्टी थीम। यस। आप ही कुछ सोचिए ना। एंशिएंट ग्रीस? नहीं। टकीला मॉकिंग बर्ड। टकीला मॉकिंग बर्ड, या। अभय जी आप भी। ओके। दिस इज हिप्पीज वर्सेस हिपस्टर। आप पार्टी ऑर्गेनाइज करने में मेरी मदद करना चाहते हैं या फिर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नो नो नहीं, आई एम सीरियस। मैं मजाक क्यों उड़ाऊंगा? म्यूजिक? गॉट इट। राजवीर की सरप्राइज पार्टी के लिए इससे बेहतर थीम हो ही नहीं सकती। Give me five. क्या बात है, आप लोग काफी खुश लग रहे हैं। कुछ खास नहीं, एक जोक था। जोक का रिएक्शन हाई फाई, काफी अनयूजुअल रिएक्शन। वैसे जोक क्या था, हमें भी सुनाइए। सुना दूं? नहीं। राजवीर जी आप नहीं सुन पाएंगे, पीजे था वो जोक। फिर तो हम जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि कुछ पीजे इस काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो ठीक है, अब तो राजवीर को सब बताना ही होगा। चलिए बता देते हैं। क्या आपको पता है कि शादी में कपल्स एक दूसरे का हाथ क्यों थामते हैं? क्यों? इट्स अ फॉर्मेलिटी। ठीक वैसे ही जैसे बॉक्सर्स रिंग में उतरते ही एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। गुड वन। नंदिनी जोक तो अच्छा है, फिर आप क्यों नहीं चाहती थी कि हम इसे सुने? राजवीर जी मुझे नहीं पता था कि आपको ऐसा जोक पसंद आएगा। बच गए। थैंक यू अभय, आपने बिना सरप्राइज खोले राजवीर जी को हैंडल कर लिया। बच गए। आखिर ऐसा क्या हो सकता है? कुछ तो है जो नंदिनी और अभय हमसे छुपा रहे थे। राजवीर, कौन क्या छुपा रहा है बेटा? कुछ नहीं माँ। बेटा आपकी आंखें बता रही हैं कि आपके अंदर बहुत उथल पुथल मची हुई है, कोई तो बात है जो आपको परेशान कर रही है। माँ ऐसा कुछ नहीं है। माँ आपने बताया था कि आप पापा के साथ यूरोप कॉन्सर्ट सुनने जाया करती थी। बेटा आप बात को पलट रहे हैं। खैर आपकी मर्जी, हम तो आपकी माँ हैं ना, आपकी दोस्त नहीं कि आप हर चीज हमारे साथ शेयर करें। माँ हम समझते हैं बेटा, दोस्ती का रिश्ता हर किसी के साथ तो नहीं हो सकता ना, और आपके पास तो नंदिनी जैसी दोस्त है जिसके बाद आपको किसी और दोस्त की जरूरत ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि आप अपनी दोस्त के साथ जाके सब कुछ शेयर कीजिए, आपके मन के अंदर जो भी उथल पुथल है वो एकदम शांत हो जाएगी बेटा। इनफैक्ट हम तो कहते हैं आप अभी जाके नंदिनी से सारी बात शेयर कीजिए। नंदिनी शायद अभय के साथ हॉल में, पता नहीं अभय क्यों आए हुए हैं,
शायद नंदिनी ने बुलाया हो। दोनों काफी देर से कुछ डिस्कस कर रहे हैं। बेटा, हमें लगता है नंदिनी को आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। हम एक काम करते हैं, हम अभय को जाके बोलते हैं कि वो चले जाए। माँ, आप भी ना कहां से कहां पहुंच जाती है, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे आपके और अभय के बीच के डिफरेंसेस सॉर्ट आउट हो गए? करना ही पड़ा, नंदिनी यही तो चाहती थी। क्या वो मैम आपने मैसेज किया था, कोई बात थी? हम साफ साफ देख सकते हैं कि आपको और नंदिनी को लेकर राजवीर के मन में शक पनपना शुरू हो चुका है। अब हमारा अगला कदम होगा उस शक पर राजवीर को यकीन दिलाना। आप जानते हैं कि अब आपको इन स्लीपिंग पिल्स के साथ क्या करना है। Yes, ma'am. नंदिनी यहां भी नहीं है, फिर कहां जा सकती है? राम सिंह जी, हुकुम। आपने नंदिनी को कहीं देखा है? जी नहीं हुकुम। आखिर नंदिनी कहां जा सकती है, ये तो यही हॉल में थी। ओ भैया, देख के चलिए ना। सॉरी दिव्या, आपने कहीं नंदिनी को देखा है? भैया, दिन रात आप भाभी को देखते रहते हैं, फिर भी आपका जी नहीं भरता। हाउ क्यूट। यहीं कहीं होगी भाभी। भाभी, भाभी आपको पता है भैया कब से आपको ढूंढ रहे हैं? चलिए भैया। ये लीजिए भैया, भाभी आपके सामने है और अब आप जी भर के भाभी को देखते रहिए। नंदिनी, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, मंदिर। भैया आप एक काम कीजिए, आप ना भाभी के साथ मंदिर चले जाइए और भगवान से प्रे कीजिए कि भाभी जहां भी हो ना आपको देख सके, ताकि आपको भाभी को ढूंढना ना पड़े। ऐसे भाभी, एक बात कहूं, मेरे भैया ना आपसे बहुत प्यार करते हैं। चलो, आई लीव यू टू गाइस अलोन, बाय। चलिए, हम आपको मंदिर ड्रॉप कर देते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब था मैं चली जाऊंगी, वैसे भी आपको बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सॉरी राजवीर जी, मैंने आपको मना करके आपका दिल दुखाया, पर जब आप अपना सरप्राइज देखेंगे तो समझ जाएंगे और तब आपको खुशी होगी, जिसे मैं आपके चेहरे पर देखने के लिए ये सब कर रही हूँ। लाइए। अबे, आप नंदिनी के साथ कहां जा रहे हैं? आप एक्चुअली वो मेरी कार आज सर्विसिंग के लिए गई हुई, और मैं जहां जा रहा हूं वो जगह मंदिर के रास्ते में पड़ती है, इसलिए नंदिनी मुझे लिफ्ट दे रही। अच्छा, हम चलते हैं। दर्शन के बाद हमें
शॉपिंग भी करनी है नंदनी? ढेर सारी। आखिर राजवीर जी की सरप्राइज बर्थडे पार्टी जो है। रुक दीजिए, नंदनी मंदिर आ गया। देवी माँ, शादी के बाद राजवीर जी का पहला जन्मदिन है, उन्हें मेरे हिस्से की भी सारी खुशियाँ मिले। रिलैक्स, सब अच्छा ही होगा। आज रात राजवीर को ऐसा सरप्राइज मिलेगा जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में सोचा भी नहीं। थैंक यू अभय जी। चले नंदनी, मैं सोच रहा था कि जहाँ पे हमने बर्थडे सरप्राइज प्लान किया है, फार्म हाउस, उसको एक बार चल के देख लें। उसके लिए उत्तरा भाभी और स्वरूप चाची साहब से कह देते। नंदनी, जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज्यादा रिस्क होगा इस सरप्राइज खुलने का सेलिब्रेशन से पहले। सो वी बेटर अवॉइड इट। ठीक है, कोई नहीं, मैं खुद जाकर अकेले जाकर देख लेता हूँ। तैयारियों में कोई कसर ना रह जाए, बस यही मेरा कंसर्न। हाँ वो भी है। आपको चलना? हाँ लेकिन शॉपिंग वो रास्ते में ही कर लेंगे। ठीक है, जाते जाते केक ले लेंगे और उसके बाद बाकी सारा सामान। डन। चलिए। हम दोनों फार्म हाउस जा रहे हैं, इससे अच्छा सरप्राइज और आपके लिए क्या हो सकता है राजवीर? नंदनी अभी तक लौटी क्यों नहीं? हम उन्हें फोन करते हैं। नहीं, थोड़ा रुकते हैं, एक बार फोन कर ही लेते हैं। लगता है पूरा शॉपिंग मॉल ही खरीद लिया। लाइए। पता है मॉल सिर्फ लड़कियों की वजह से चल रहे हैं, लेने एक चीज जाती हैं लेकिन 10 चीज लेकर आती हैं। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो राजवीर जी के लिए वो हर चीज मैं खरीद लूं जिनसे उन्हें खुशी मिले। ये तो बस छोटी सी शॉपिंग है। बहुत बड़ा सरप्राइज भी। राजवीर जी का फोन आया और मुझे पता ही नहीं चला। एक मिनट, मैं कॉल कर देती हूँ। हेलो। हेलो राजवीर जी, आपने मुझे कॉल किया था? नहीं, वो गलती से लग गया था। ठीक है तो मैं फोन रख दूँ। नंदनी, आप कब तक वापस आ रही हैं? मुझे काफी टाइम लगेगा, मंदिर में काफी भीड़ है और यहाँ से सीधा मैं ऑफिस जा रही हूँ।
कुछ जरूरी काम है। नंदनी, आप अभी भी मंदिर में? हाँ। ठीक है। नंदनी मंदिर में, और वहां इतनी भीड़, फिर हमें मंदिर की घंटियों की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? हमें तो कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही। हम इतना क्यों सोच रहे हैं? नंदनी आजाद है, वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती है, और जब हमने नंदनी को पत्नी का हक नहीं दिया है, तो हम खुद उन पर पति का हक कैसे जता सकते हैं? क्या हुआ, चुप क्यों? कुछ नहीं। राजवीर से पहली बार झूठ बोल रही हैं। डोंट वरी, आज रात 12 बजे का सरप्राइज सेलिब्रेशन राजवीर को वो खुशी देगा जो आपकी सारी गिल्ट मिटा देगा। चलिए आप मुस्कुरा दीजिए, किसी को खुशी देने से पहले खुद का खुश होना बेहद जरूरी होता है। That's right. राजवीर, कहाँ जा रहे हैं बेटा? माँ, घर बैठे बैठे बोर हो रहा था तो सोचा आप ड्राइव पे चला जाओ। चलो अच्छा, हमें फार्म हाउस ले चलिए, हमारी एक मीटिंग है वहाँ। आपकी ड्राइव भी पूरी हो जाएगी और हमें आपका साथ भी मिल जाएगा। श्योर, व्हाई नॉट। ठीक है, चलिए। फार्महाउस। जी हुकुम। नमस्ते। नमस्ते। गाड़ी में कुछ सामान है, निकाल के रखवा लो। जी मालिक। नंदनी, एक जरूरी फोन। आप अंदर जाके डेकोरेशंस चेक कीजिए, मैं भी आता हूं। यस मैम। खन्ना साहब, आप कहाँ तक पहुँचे? खन्ना साहब फार्म हाउस में हाजिर हैं। वेरी गुड, बस हम अभी थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं। आज रात को 12 बजे राजवीर जी को सबसे बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है मेरी तरफ से। नंदनी, क्या हुआ, आप बार बार अपने सर को पकड़ रही? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर दर्द है। अभी तो परिवार वालों को भी इनवाइट करना बाकी है। वेट अ मिनट, तुम इस पार्टी की होस्ट हो ना, तो तुम्हारी तबीयत का ठीक होना बेहद जरूरी है। तुम बैठो, आराम करो, मैं सर दर्द की गोली लेकर आता हूँ। नहीं नहीं अभय जी, बहुत सारा काम बाकी है, रहने दीजिए। लेकिन अभी तुमने कहा ना कि सारे नौकर माहिर, ये सब संभाल लें। जस्ट रिलैक्स, और घर वालों की चिंता मत करो, उनको भी इनवाइट मैं ही करूँ। अभी आता हूँ, जस्ट रिलैक्स। ये लो, हमारी सरदर्द की दवा और गरम गरम चाय। ये चाय पीआरपी के लीगल एडवाइजर के हाथों से बनी चाय किस्मत वालों को नसीब होती है। ऐसे क्या देख रहे हो भाई, सारे नौकर काम पे लगे हुए थे तो मैंने सोचा मैं ही बना दूं। आपने मुझसे कहा होता मैं बना देती। जिसका सरदर्द हो रहा है
उसी को कहूं चाय बनाने के लिए। नॉट अ गुड आइडिया। छोड़ो, तुम चाय पियो और अपनी दवा खाओ। पता है मैंने अपने बैचलरहुड में ये चाय बनानी सीखी थी, इतनी भी बुरी नहीं बनी होगी। आई एम श्योर, ट्राई इट। चीयर्स फॉर सरप्राइज। चीयर्स। थैंक यू। यू वेलकम। हम यहाँ कितने दिनों बाद आ रहे हैं और यहाँ कुछ नहीं बदला माँ। हाँ बेटा, वक्त सब कुछ बदल देता है, बस जरूरत है तो नजर की। ये तो नंदिनी की कार है माँ, यहाँ कैसे? बेटा हम तो आपके साथ ही आए हैं, अभी हमको कैसे पता होगा?